Welcome on our channel Adore Collection. Hello students, how are you? And here we are doing question number 1 from exercise 2.2. Let's start. Okay, question is, find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficient. Okay, first of all humko zeros find out karna hai quadratic equation ke, then relationship between zeros and polynomials ko verify karna hai jo humne last class mein बात करी थी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, उन्हीं का यूज़ करेंगे. सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो यहाँ पे यूज़ क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, बस यही हमें वेरीफाई करना है. लेट्स डू इट, करते हैं इसको वेरीफाई. पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ओके, जीरोस फाइंड आउट करना आपको आता होगा. ये 2x है, इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो दो डिजिट दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस 2 आए. तो क्या ले सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. कैन वी राइट इट माइनस 4 एंड माइनस प्लस 2, सो माइनस करेंगे तो माइनस 2x आएगा और 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8. ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं. यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से, ये आएगा x माइनस 4 एंड हियर वी टेक आउट 2, सो इट इज ऑल्सो x माइनस 4. x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 एंड x प्लस 2. ओके, सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या, जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर क्या क्या हो जाएंगे, माइनस 4 है तो प्लस 4 एंड माइनस 2. ओके राइट, अब वेरीफाई कर लेते हैं. वेरिफिकेशन और के लिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. वेरीफाई करते हैं जीरोज एंड कोफिशियंट में रिलेशन. पहले देखते हैं हम सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा. सो अपन यहाँ पे एक और लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं. सो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 है ना, सो वी कैन राइट दिस लाइक माइनस माइनस 2 अपॉन 1. कैन वी राइट, है ना, सो यहाँ इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. देखिए ये बी माइनस बी क्या है, ये माइनस बी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स है ना, एंड 1 इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, so we can write this is equal to
coefficient of x upon coefficient of x square, right? That's it. तो ये एक वेरीफाई हो गया. अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए. नो, ये हमें वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4 इंटू माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 8. और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 8 अपॉन 1. अब देखिए सी है ना माइनस 8, सी अपॉन ए. सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए. मीन्स आप इसको भी लिख सकते हो विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, माइनस 8 अपॉन 1 मीन्स सी अपॉन ए. देखिए वही वैल्यू आ रही है. यहाँ पे माइनस 2 अपॉन ए, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है माइनस 8. राइट, आप चाहें तो यहाँ पे साथ में लिख सकते हो एंड कोफिशियंट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर a is equal to 1, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 8. तो आपको वेरीफाई करने में आसानी होगी अगर आप दोनों को डिस्क्राइब कर लेंगे. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड क्या करना है. जो हमारे रिलेशनशिप हमको पता है उसी के बेस पे दोनों को कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है. लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है जो हमारा, वो है 4s square minus 4s प्लस 1, राइट. सेकेंड प्लस 1 वही करना है. सिंपल, क्या वेरिफिकेशन. पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे और जीरो और कोफिशियंट में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. तो जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं. तो क्या कैसे इसको कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, 4. यानी दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर प्लस 4 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस 4 आए. सो वी कैन राइट दिस लाइक 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1. ऑलराइट, चलिए कॉमन लेते हैं. तो यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 2s माइनस 1, एंड यहाँ से भी माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2s माइनस 1. ओके, सो 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे और यहाँ भी आ जाएगा 2s माइनस 1, राइट. सो जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1 क्या होगा, आर s इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2. दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 एंड 1/2, क्योंकि यहाँ भी 4s माइनस 1 है, यहाँ भी 4s माइनस 1 है. ठीक है, सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2. सो अब यहाँ पे आप कोफिशियंट भी लिख लीजिए एंड कोफिशियंट ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1 प्लस, है ना, प्लस 1 क्या होगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू प्लस 1. ठीक है, सो वेरिफिकेशन करते हैं. सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना,
अल्फा प्लस बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा कितना है 1/2 एंड बीटा भी 1/2. सम करिए तो ये आ जाएगा 2 + 2/2 इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू किसके बराबर है. देखिए ये -4 है ना b, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए इज इक्वल टू -4/2 विच इज इक्वल टू -b/a. वेरीफाई राइट. सेम हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा है ना. कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? कहीं कन्फ्यूजन है तो एक बार आप थोड़ा बैक करके देख लें. अगर बैक करने पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, हम फिर से उसे आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे. ओके चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं. वैसे बहुत ही ईजी है, आई होप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. मल्टीप्लाई करिए ये 1 × 1 एंड 1 × 1 तो ये क्या आएगा 1/4 ठीक है. सो वेट कुछ प्रॉब्लम है? यस प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे 4/2 है और यहाँ तो हमारे ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इसको b/a तो हम नहीं लिख सकते. तो बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है. 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं हम, 1/2 + 1/2 इसकी वैल्यू आनी चाहिए कितनी. देखिए सिंपल सी मिस्टेक, अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये 1 + 1/2 आएगा, नॉट 2 + 2. एलसीएम लेंगे 2 तो ये 1 + 1/2 आएगा. तो फिर यहाँ पे क्या होगा 2/2 राइट. ठीक तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये 1 क्रॉस होने पे क्या हो जाएगा 1 ठीक है. 1 को हम लिख सकते हैं 4/4 ठीक, 4/4 राइट, या फिर लिख सकते हैं --4/4 लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा -b/a है ना. 2/2 आएगा 1 और 1 का मतलब होता है ये, नीचे लिख लो इसको, इसको हम लिख सकते हैं -4/4 -4/4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस होगा, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4/4 और ऊपर वाले 4 को --4 लिख सकते हो, दैट मीन्स -b/a होगा ठीक है. 4/2 तो 2 तो हमें a चाहिए था ना, वो नहीं है. अब यहाँ पे देखिए ये 1/4 आया और 1/4 तो सिंपली a c की वैल्यू 1 है और a 4 की वैल्यू a है, तो ए सी अपॉन ए हो गया. ऑलराइट सिंपल है. पहले आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है. और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो आपके कोफिशियंट है -b/a उसके फॉर्म में आना चाहिए, -b/a आना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आना चाहिए राइट. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नाउ अब हम नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके तो थर्ड क्वेश्चन इज 6x² - 3 - 7x. तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ऑर्डरली अरेंज कर लीजिए 6x² - 7x - 3 राइट. इसके बाद अब हम वही प्रोसीजर करेंगे, सारे क्वेश्चन में वही प्रोसीजर फॉलो करनी है ठीक है. एक बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको इजी हो जाएगा करना राइट. और कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो तो हैं हम ठीक. ओके स्टार्ट ना. 6x² - 7x - 3 6 × 3 = 18 - 18 और -7 यानी मल्टीप्लाई करने पर -18 और प्लस या माइनस करने पर -7 क्या हो सकता है सोचो. -9 × 2 18 होगा ना, है ना. 9 × 2 = 18 कर सकते हैं ब्रेक. x² - 9x + 2x - 3 है ना. हाँ
चलो इसकी और भी मेथड होती है, एक वो फॉर्मूला है जो आपका डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला, उससे भी आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला पता है ना आपको, बी स्क्वायर प्लस माइनस नो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। कभी ऐसा हो कि बस ईजी होता है अगर आपको यहाँ कैसे ब्रेक करना है, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। चलिए ये एक्स के इक्वल होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक, यहाँ वैल्यू पुट करिए आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं अब यहाँ पे, यहाँ कॉमन कर लेना है, कॉमन 2x नहीं 3x कॉमन आएगा, सो यहाँ क्या 2x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1 ले लीजिए तो ये बचेगा 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 कॉमन लीजिए तो ये आएगा 3x प्लस 1। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करें। सो वैल्यू फॉर विच सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0 आर क्या होगा 2x माइनस 3 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0 होगा। सो 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। आगे करिए, सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 बाई 2 और x इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 1 बाई 3। ओके, लेट zeros of को लिख लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, यहाँ लिखते हैं। सो zeros of 6x square माइनस 7x माइनस 3 आर अल्फा इज इक्वल टू 3 बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। ठीक, एंड कोफिशियंट क्या होंगे, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू माइनस 7 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ सो सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी 3 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6, 3 3 जा 9 और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 2। ओके, 2 होगा ना, तो हमें ये क्या लाना है, माइनस 6 बाई 7 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, ओके चलिए करते हैं। सो ये आएगा 3 3 जा 9 होगा यहाँ पे 9, 3 3 जा 9 एंड 2, सो ये आएगा 7 बाय 6। वी कैन राइट दिस लाइक माइनस 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इज इट। ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 2। अभी नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये प्लस करने में थोड़ी ज़्यादा गलती हो रही है, ध्यान से करेंगे अगली बार, है ना। यही मिस्टेक्स होती हैं जो हम एग्ज़ाम में भी कर देते हैं और उस समय हम इतने प्रेशर में होते हैं कि हमारा माइंड ही नहीं जाता वहाँ पे। तो करना क्या है, प्रैक्टिस। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पहले से हम बार बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, तो फिर इस तरह की मिस्टेक नहीं होती हैं, राइट। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक है लेकिन इनसे हमारा आंसर ही गलत हो जाता है टोटल, और जहाँ पे आंसर गलत हुआ तो हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, राइट। पूरी मेथड, पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व करा उसके बावजूद भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा।
सो अल्फा इंटू बीटा मीन्स क्या है ये, 3/2 इंटू माइनस 1/3। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा हमारा यानी सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इसमें ये क्वेश्चन ये सी अपॉन ए यानी कि 3/6 आना चाहिए, माइनस 3/6 यानी 1/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व वो नहीं करते, तो इसको आएगा माइनस 3/6 मल्टीप्लाई करने पर, माइनस 3/6 विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए सी इक्वल क्या है, माइनस 3 एंड ए इक्वल 6, राइट। तो ये भी वेरीफाई है, यहाँ पे बी अपॉन ए यानी ये माइनस 7/6 है और यहाँ पे 3 माइनस 3/6 है। ठीक है, चलिए अब आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया तो अभी और भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4u² - 8u। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ भी स्लिपिंग या इसकी ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा। ठीक, सो ये क्या बचेगा, u एंड 4 थोड़ा इक्वल दिख रहा है ना, थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ 4u। ठीक है, ये 4 है, सो 4u कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, u, और इधर 4u कॉमन आएगा तो यहाँ पर सिर्फ 2। ठीक है, u माइनस 2, सो यहाँ आ गया, सो जीरोज ऑफ 4u² - 8u आर कौन कौन से हो गए, एक तो u इक्वल 0 एंड प्लस 2, 0 और प्लस 2 से अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, राइट, बीटा। नाउ कोफिशियंट, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, इन 4u² - 8u ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 8 एंड सी इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए करते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स अल्फा क्या है, क्या लिया हमने अल्फा, 0, 0 प्लस 2। ठीक है, क्या आएगा ये 2, है ना, विच इज इक्वल टू 2। अब क्या है, यहाँ तो आया 2, लेकिन अगर हम वैल्यू निकालें ये, ठीक है, ये क्या है, b माइनस 8 है हमारा और a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो देखो जैसे हम डायरेक्टली लिखते थे वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं माइनस 8, यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4, लिख सकते हैं ना, माइनस 8 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कहीं समझ नहीं आता है कि भाई अब 2 को माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में कैसे लिखें, तो आप क्या कर सकते हो, क्या माइनस बी अपॉन ए को फाइंड आउट कर लो, है ना, एंड माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4। ठीक है, सो विच इज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस माइनस 8 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 एंड इज इक्वल टू 2, है ना, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस माइनस 4 अपॉन 8 अपॉन 4, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, विच इज इक्वल टू क्या है, अल्फा यानी ज़ीरो इंटू टू, विच इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन, ज़ीरो अपॉन ए की वैल्यू क्या है, फोर, ज़ीरो अपॉन फोर इज इक्वल टू ज़ीरो. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करें बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए या सी अपॉन ए के फॉर्म में, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अलग निकाल लो, और जो हमारी जो कोफिशियंट के टर्म में जो वैल्यू जिस इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन एंड सी अपॉन ए, इनकी वैल्यूज अगर अलग निकाल लो और दोनों को इक्वल कर दो प्रूफ. राइट, आई होप समझ आया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस 15. ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर, राइट दिस लाइक सो. सो यहाँ पे बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. वी कैन राइट दिस टी माइनस अंडर रूट 15, पहले प्लस लिखते हैं, टी प्लस अंडर रूट 15 एंड टी माइनस अंडर रूट 15. ओके, सो जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 आर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 15, है ना. नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15. ओके, सिंपल. अभी हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, अब क्या करना है, जी वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो वो भी कर लेते हैं. पहले हम लिख लेते हैं इन टी स्क्वायर माइनस 15. अब यहाँ पे देखो टी वाली टर्म नहीं है, है ना, पावर ऑफ वन जो है वो टर्म नहीं है, तो यहाँ पे बी कितना होगा, जीरो होगा. सो ए इक्वल होगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन, और बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सी इज इक्वल टू माइनस 15. ठीक है, लिख लेते हैं. सो सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सो अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू ज़ीरो, और वी कैन राइट दिस 0 अपॉन 1, विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. 0 अपॉन 1 यानी माइनस, बिकॉज 0 बी की वैल्यू क्या है, 0, तो सारी टर्म 0 होगी. ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है अंडर रूट 15 और बीटा माइनस अंडर रूट 15, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट का मल्टीप्लीकेशन होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा माइनस 15, है ना, विच इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 1 एंड विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, बिकॉज सी इज इक्वल टू माइनस 15. सो ये भी वेरीफाइड हो गया, है ना, ए सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दिस इज वेरीफाइड. अब लास्ट में लिख सकते हो वेरीफाइड, है ना, वेरीफाइड. क्लियर, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस क्लास इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. ठीक है, इसको भी करते हैं, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. ओके, चलिए कॉमन लेते हैं, कॉमन यहाँ से क्या आएगा x, सो रिमेनिंग 3x माइनस 4 एंड यहाँ से प्लस 1, सो यह 3x माइनस 4, तो कॉमन यहाँ पे आया 3x माइनस 4
एंड यहाँ पर x प्लस फोर, राइट. सो वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो क्या होगी, इज r, कौन कौन सी होगी, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू भी जीरो. देन x इज इक्वल टू यहाँ होगा 4/3 और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1. लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक, अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट. सो एन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4. एंड अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू हम देख ही चुके हैं 4/3 एंड अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1. सो सम ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. इसके इक्वल क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, राइट. सॉल्व करो इसको तो ये आएगा 4/3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3, है ना. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 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 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. वेरीफाइड, बिकॉज बी की वैल्यू क्या है माइनस 1 और ए 3, राइट. अब लास्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एंड ये है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस नो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4/3. तो सी की वैल्यू क्या है माइनस 4 और ए 3, सो इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड. ओके, सो डन, वेरीफाइड भी हो गया. सो स्टूडेंट, इस तरीके के बहुत सारे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल में हैं और आप श्योरली आप 10th क्लास में हो, CBSE है, तो आपको रेफरेंस बुक से तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे. कुछ क्वेश्चन हम भी यहाँ पे जब आप अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे. कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे RD शर्मा है या जो भी बुक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो और आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में वो बताइए, तो हम आपको वो क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सॉल्व करेंगे 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन. ओके, गुड बाय.